देखिए लगातार मैनिफेस्टो जारी कर कर ये विश्वास दिलाया जा रहा है कि हमारा मैनिफेस्टो बहुत बढ़िया है जनता के लिए। तो जनता से जान लेते हैं कि जनता कितनी खुश है। मैनिफेस्टो और वादे की बोछार तमाम पार्टियों ने कर दिया है। कांग्रेस एक तरफ दावा कर रहे हैं कि इस बार हम रोजगार देंगे युवाओं को, बीजेपी भी कह रही है कि भैया 47 तक विकसित भारत हो जाएगा। किसके मैनिफेस्टो पर विश्वास? देखिए मैनिफेस्टो की बात तो मैं पहले करूंगा, बाद में करूंगा, पहले आप इधर देखिए लोग कितने अग्रेसित और उग्र हो रहे हैं। दरअसल क्या है, ये हमारे देश के जो नौजवान हैं, या तो इन लोगों को एजुकेशन की कमी है या ये लोग दिमागी रूप से विक्षिप्त हो सकते हैं, मैं कहूँगा। क्योंकि हम इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं जैसे कहीं युद्ध की स्थिति हो, जबकि ये चुनाव की स्थिति है। देखिए चुनाव नागरिक का कोई युद्ध नहीं है, उसके पास एक अधिकार है कि वो सरकारें बदल सके, अपने मुताबिक सरकार चुन सके। मगर यहाँ पे कोई राम मंदिर के मुद्दे पर लड़ रहा है, कोई हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ रहा है। देखिए पीछे क्या स्थितियां हो रही हैं, ये स्थितियां कैसी हो रही है हिंदुस्तान की आवाम। नफरत बहुत ज्यादा हो चुकी है, नफरत बहुत ज्यादा हो चुकी है, और नफरत का माहौल कौन लोग फैला रहे हैं, उन लोगों को तो कतई वोट नहीं करना। थोड़ा इधर चलकर बात करते हैं ताकि मुद्दों पर बात हो सके। जनता इस बार क्या उम्मीद कर रही है अपनी सरकार से, अपने नेताओं से? देखिए सबसे पहले तो पत्रकार महोदय, मैं DS4 आपके चैनल के माध्यम से पब्लिक तक अपना एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं। देखिए भारत में रहने वाले जो नागरिक होते हैं, जो डेमोक्रेटिक मुल्क में, यानी कि लोकतांत्रिक मुल्क या जमहूरियत कहो उर्दू में, जिस मुल्क में ये हम पीपल्स रहते हैं, लोग रहते हैं, आवाम रहती है, उन नागरिकों का कर्तव्य क्या है, सबसे पहले तो पब्लिक को ये पता होना चाहिए। और परम कर्तव्य क्या होता है कि हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार से सवाल करना अपनी आधारभूत सुविधाओं के लिए, अपनी जरूरतों के लिए। और हम टैक्स पेयर का पैसा कहाँ लगा रही है गवर्नमेंट? हमारी सुविधाओं पे लगा रही है, हमारी सुख सुविधाएं, हमारी चीज़ें, हमारे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पे लगा रही है। ये हमें सवाल करना चाहिए सरकार से, ना कि हमें किसी भी पर्टिकुलर पार्टी का या किसी भी नेता का या किसी का भी कट्टर और अंध समर्थक होना, ये लोकतांत्रिक मुल्क को आगे नहीं ले जाता है, ये लोकतांत्रिक मुल्क को डुबोता है। जैसे जर्मनी का हो चुका है, जर्मनी डूब गया, लोग हिटलर के अंधभक्त जब तक बने रहे, जब तक जर्मनी पूरी तरीके से नस्तो नाबूद नहीं हो गया। ये मेरा एक संदेश था, लोगों ने सुना होगा। अब आपने बहुत अच्छी बात कही और बहुत अच्छा संदेश दिया, लेकिन हम मुद्दों पर आ जाते हैं। बीजेपी वादे और दावे कर रही है, उधर उधर इंडिया अलायंस भी है, लेकिन किसके मैनिफेस्टो में ज्यादा दम दिखाई दे रहा है? कौन है जो जनता के लिए ज्यादा मुद्दे लेकर आया कि इन पर काम होंगे? देखिए अगर मैं मैनिफेस्टो की बात करूं तो मैंने दोनों के मैनिफेस्टो थोड़े थोड़े पढ़े हैं, अभी मैं पढ़ ही रहा था, क्योंकि मैं कोई किसी पर्टिकुलर पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं या बीजेपी का, कांग्रेस का। आम व्यक्ति और युवा है, आपके हाथ में वोट की पावर है, तो कैसे देख रहे चुनावी? अगर मैं मैनिफेस्टो के हिसाब से देखूं तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो दमदार लग रहा है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो दमदार है, यहाँ पे रोजगार पे बात हो रही है, शिक्षा पे और कई सारी चीजों पे बात हो रही है। मैंने अभी पर्टिकुलर पूरा भी नहीं पढ़ा है, मगर जिस हिसाब से मैंने पढ़ा है उसके मैनिफेस्टो के, अब खरे कितने उतरते हैं ये अपने मैनिफेस्टो पे। जैसे मोदी जी ने बहुत सारे वादे किए थे 2014 में सरकार बनाते वक्त कि हम 15 लाख रुपए लाएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, सारा काला धन भारत ले आएंगे, ये सारे वादों पे फिर बाद में इनके बयान आते हैं। अमित शाह जी कहते हैं कि ये एक हमारा जुमला था, काले धन की बात करते हैं तो कहते हैं कि काले धन को लाना आसान नहीं है, है ना। इसके अलावा रोजगार की बात करते हैं तो रोजगार भी ये प्रॉपर तरीके से छुप जाते हैं। अभी तक हमारे प्रधानमंत्री का देखिए, दुनिया में जितने भी देशेस हैं, सारे देशों में जितने भी प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष होते हैं मीडिया के सामने आते हैं, और बहुत सारे कहते हैं कि सारे न्यूज़ चैनलों के पत्रकारों को बुलाते हैं, छोटे बड़े पत्रकारों को बुलाते हैं, और उन लोगों को मौका देते हैं कि आप चुनी हुई सरकार से सवाल करिए। अभी तक 10 साल में मोदी जी ने ओपन कोई भी किसी पत्रकार को बुलाकर कोई भी ओपन वक्तव्य नहीं दिया है, और ना किसी पत्रकार को या जनता को सवाल पूछने का हक दिया है। मैं आऊंगी बीजेपी के मैनिफेस्टो पर, लेकिन जो आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, क्या सबसे ज्यादा अच्छा पसंद आया कि ये जो वादा है ये वाकई बहुत अच्छा है युवाओं के? देखिए मुझे कांग्रेस की एक चीज पसंद आई है, जो रोजगार की वो बात कर रहे हैं। बेसिकली उनका एक अलायंस है, उसमें बहुत सारी पार्टियां हैं, पर्टिकुलर बहुत सारी पार्टियां हैं, मगर वो रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, है ना। इसके अलावा जो बात कर रहे हैं वो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, जो आज है ना, सामाजिक न्याय नहीं है, कानून से पहले
कानून, देखिए सजा देने का जो हक है वो कोर्ट का है, भारत के कानून का है, भारत के संविधान का है, मगर उसी से पहले बुलडोजर चला दिया जाता है किसी के मकान पे, तो उसमें रह रहे बच्चों पे क्या असर पड़ता है, उनकी आने वाली पीढ़ियों पे क्या असर पड़ता है? क्या या किसी के दादा ने मकान बनाया, मान लीजिए मेरे दादा ने मकान बनाया और मैंने गलत काम किया कोई भी, तो है ना उस मकान में मैं रहता हूँ, बस इसी बिना पे उस मकान को डिमोलाइज कर देना, तोड़ देना और गिरा देना, ठीक है, ये न्याय नहीं है। न्याय न्याय सामाजिक न्याय की जो बात करते हैं, न्याय की गारंटी दी जा रही है कांग्रेस की ओर से, उस पर आप विश्वास कर रहे हैं? कांग्रेस की गारंटी पे मैं विश्वास कर रहा हूँ, क्योंकि गारंटी पर क्यों नहीं, नाम भी दिया गया है मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी तो देखिए ये इनका एक प्रोपेगेंडा है, इनकी गारंटी पे मैं भरोसा क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, आगरा से मैं आया हूँ, यहाँ पे मैं टूरिस्ट हूँ, और आगरा में मैं देखता हूँ वहाँ पे कि कोई भी व्यक्ति छोटे से केस पे उसके घर को गिरा दिया जाता है, जबकि काम ये होना चाहिए कि जो अपराधी है उस अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, उसके नन्हे बच्चों का, उसके महिलाओं का, उनका क्या कसूर होता है जिससे उनकी जिंदगी तबाह हो जाए। कानून व्यवस्था बड़ी मजबूत हो गई, यही तो बताया जा रहा है कि डबल इंजन सरकार, मतलब कानून व्यवस्था मजबूत। देखिए डबल इंजन सरकार, कानून व्यवस्था की आप बात करेंगे कि यूपी में कानून व्यवस्था है, देखिए बीजेपी के जो वर्तमान में वहां पे देखिए टैनी ने गाड़ी चढ़ा दी किसानों पे, अगर कानून व्यवस्था है क्या हुआ बताइए, कितने दिनों में कार्रवाई हुई, किसानों पे टैनी ने गाड़ी चढ़ा दी, कुछ हुआ कानून व्यवस्था की बात करें तो? और भी अगर हम कानून व्यवस्था की बात करते हैं, बीजेपी के लोगों पे की तो ना गिरफ्तारी होती है ना कुछ होती है, अगर कोई दूसरे मजहब या संप्रदाय से है या किसी दूसरे पार्टी पे है उस पर तुरंत की तुरंत कार्रवाई होती है, ये सामाजिक चीजें नहीं है, ये सामाजिक न्याय नहीं है। देखिए एक और बताता हूँ, जहाँ पे किसी राजा का धर्म हो जाता है, जहाँ पर किसी राजा का धर्म हो जाता है वो राजधर्म नहीं रहता। राजधर्म क्या होता है? राजधर्म होता है किसी भी राजा का धर्म ना होना। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे हमारे देश के, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, और उस टाइम मैंने भी उन्हें वोट किया था, 42 ईयर की मेरी एज है, उन्होंने एक शब्द कहा था, बहुत प्यारा शब्द है, जब गुजरात में गोधरा में दंगे हो रहे थे तो उन्होंने मीडिया के सामने कहा था, आपके पास वो रिकॉर्डिंग होगी, उन्होंने कहा था कि राजा का कोई धर्म नहीं होता, राजधर्म होता है। तो मोदी जी धार्मिक अनुष्ठानों में, और यहाँ तो पीएम मोदी कह रहे हैं कि मैं सेवक हूँ, सेवा करने आया हूँ, खुद को तो राजा बता ही नहीं रहे। कभी वो अपने आप को चौकीदार बताते हैं, चौकीदार बताते हुए भी नीरव मोदी देश से भाग जाता है, तो ऐसे तो हम बोलते रहते हैं कि हम सेवक हैं या चौकीदार हैं या अन्य चीजें हैं, मगर वो चीज होते हुए कभी वो चाय वाले बन जाते हैं, कभी चौकीदार बन जाते हैं, अब वो सेवक बन गए हैं, उन्हें डावाडोल की स्थिति बन रही है, चौकीदार के रहते हुए माल्या भी भाग गया, नीरव मोदी भागा है ना, तो नीरव मोदी भागा तो चौकीदार के रहते, कई सारी चीजें हैं। देखिए पार्टिकुलर मुझे फिर किसी पार्टी के प्रवक्ता की तौर पे ट्रीट करना शुरू कर देंगे लोग, आम नागरिक की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। मैं बिल्कुल आम नागरिक की ही तरह जानना चाह रही हूँ कि आपके व्यूज क्या है। मैनिफेस्टो पर आते हैं बीजेपी के, 5 किलो राशन देखिए 5 साल तक मुफ्त, जो योजना चलती आ रही थी, मुफ्त इलाज मिलेगा, जो 60 साल से ऊपर 70 साल से ऊपर व्यक्ति होंगे, जो बुजुर्ग होंगे उनको मुफ्त इलाज मिलेगा, आयुष्मान कार्ड की योजना के तहत आएंगे अंदर, कई योजनाएं हैं। देखिए वन नेशन वन इलेक्शन पर जोर दिया जा रहा है, और यहाँ तक कि 24 नहीं 47 की तैयारी कर रहे हैं, पीएम मोदी का लक्ष्य बहुत बड़ा है। देखिए एक वन नेशन वन इलेक्शन की बात मैं करता हूँ, वन नेशन और वन इलेक्शन पॉसिबल नहीं है, आप खुद जानते हैं, आप पत्रकार हैं, वन नेशन वन इलेक्शन क्यों पॉसिबल नहीं है कि मान लीजिए अभी किसी राज्य में सरकार बन जाती है ना, और वहाँ पे विधायक कम पड़ जाते हैं और सरकार गिर जाती है, क्या वहाँ दोबारा चुनाव नहीं होंगे? ये तो पब्लिक को प्रोपेगेंडे की तरह बरगलाने वाली बात है कि वन नेशन वन इलेक्शन तो वह हो ही नहीं सकता। अभी मान लीजिए 6 महीने बाद बंगाल में सरकार गिर गई, पंजाब में सरकार गिर गई, बिहार में गिर गई, उत्तर प्रदेश में गिर गई, तो फिर दोबारा क्या उसी 5 साल बाद राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा या फिर केंद्र से सरकार संचालित होगी? चुनाव तो कराना पड़ेगा, वहाँ पे लोकतांत्रिक नागरिक रहते हैं, लोकतंत्र होना, दोबारा अपना मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार है, तो फिर कैसे पॉसिबल है वन नेशन वन इलेक्शन? बीजेपी का मैनिफेस्टो भी आपने पढ़ा है? देखिए बीजेपी का मैनिफेस्टो मैं पढ़ने वाला था, मैं आपको बताऊं मैंने कुछ जरूरी चीजें पढ़ी हैं उनकी, मगर मैं उनकी कुछ चीजों के खिलाफ हूँ बीजेपी के, मैं पर्टिकुलर देखिए खिलाफ नहीं हूँ। जो देख रहे थे क्या कुछ नया देख पाए उस मैनिफेस्टो के अंदर जिसमें मोदी की गारंटी नाम दिया गया? देखिए मोदी जी के मैनिफेस्टो में कोई नई चीज नहीं है, बताता हूँ सबसे पहले, क्योंकि उन्होंने अपने पुराने वादे पूरे नहीं किए, पुराने वादे पूरे नहीं किए। मोदी जी को अपने पुराने वादे पूरे करने चाहिए थे, जैसे कि बड़े बड़े वादे, छोटे वादों को मैं बात ही नहीं करता कि वो रोजगार देंगे, बड़े बड़े वादे जैसे कि काला धन लाएंगे, एक बहुत बड़ा वादा था जिससे कहते हैं कि हमारे देश को कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ती, समय कर्जे का महल, हम कह सकते हैं कि कर्जे का महल है। अब माइक आ गया तो आप बोल नहीं रहे, क्या कह रहे हैं आप?
अंधभक्त है वो जो कह कर गए ना, समर्थक है बीजेपी के। हाँ यही तो अंधभक्त है वो बिल्कुल। अभी मैं यहाँ पे देखता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे ही लेटे रहते हैं, 10 बजे के बाद आके देखना आप, यहाँ पर पूरा रोड ऐसे विषय रहेगा कि कहते हैं जिनके पास घर नहीं है वो नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपके हिसाब से क्या काम किया सरकार? मेरे हिसाब से वो कुछ भी नहीं, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। बाकी जो गरीब लोग हैं ना उनसे पूछिए आप, मैंने देखा उन्हें क्या कहते हैं ऐसे ही लेटे रहते हैं यहाँ पे, जिनके पास घर नहीं है काम नहीं है कुछ नहीं है। गारंटी पर कितना विश्वास गरीब है, मर्डर करके आए हैं, आपको क्या लगता है कि सरकार ने कितना काम किया? देखिए मुझे सरकार पे बिल्कुल विश्वास नहीं है, बिल्कुल विश्वास बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों सर? ये ऐसा ये है, देखिए इस सरकार ने सबसे पहले एक ये सरकार चुनाव जीतने के लिए ये हर हथकंडा के लिए अपनाती है। अच्छा कौन कौन से वादे हैं जो किया और पूरे नहीं कर पाए? वादे देखिए इसके वादे तो बहुत हैं। इसके गिनवा दीजिएगा। इसके वादे इतने 15 लाख दे रहा था, तुम्हें मिले 15 लाख ना? मीडिया वालों को तो मिल गए, आम जनता को नहीं मिले। मीडिया वालों को मिल ना? हाँ ऐसा है एक, हाँ गोदी मीडिया ये बहुत हिसाब किताब चल रहा है। 24 में बीजेपी आनी चाहिए या नहीं आनी? बीजेपी की सरकार बिल्कुल नहीं आनी चाहिए 24 में, नहीं मैं तो कह रहा हूँ के 24 में और 2-4 अंक और लगा दो। बसों को लेकर चर्चा हो रही है और देखिए मात्र 2 दिन बाकी है जब पहले चरण का चुनाव हो रहा है, ऐसे में युवाओं की सोच जाना बेहद जरूरी है कि वो क्या सोच रहे हैं।